show with a big smile on our faces, let's call on stage Raju Srivastav. राजू भाई भूल रहे हो सबको गोलियां चलाते हुए, बहुत अच्छा लग रहा है से मजाक मजाक में आप लोग टीवी खोले बैठे बुरा कब विवाह का एक दृश्य याद आ रहा है, शादी का। कई बार ऐसा होता है आप शादी में जाते हैं और खाना प्लेट में लेते हैं और कोना पकड़ के अच्छे से खा रहे होते हैं, उस वक्त आपको ऐसा लगता है कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं ठीक से खाऊं। आप खा ही रहते हो, एंजॉय कर ही रहे होते हैं कि वीडियो वाले को पता चलता है आप घर के कोई इंपॉर्टेंट आदमी है। वो सबको छोड़ता हुआ आपको कवर करने के लिए वीडियो कैमरा लेके आपकी प्लेट में घुस जाता है। कई बार पता ही नहीं चलता है कि वीडियो शूटिंग कर रहा है कि डरा रहा है। और आप जो मजे से खा रहे थे, सडनली आपकी हालत ऐसी। अरे और लोगों को बिलो यार, मैं तो बिना बुलाए आया हूँ। मैं तो बिना वीडियो वाला बोलता चुपचाप खाते रहो, आवाज भी रिकॉर्ड हो रही। और शादी में सबसे खराब स्थिति तब होती है जब पूरी तैयारी की है, लाइटिंग वाइटिंग लगी, लाखों रुपए खर्चा किया है, लेकिन जनरेटर नहीं मंगाया और लाइट चली जाती है। जब लाइट चली जाती है तो सबसे ज्यादा इंसल्ट लगती है दुल्हन की बहन को। जी बाबा, हमारे घर की पहली शादी, इतना खराब लग रहा है। पता है पापा से कहा भी था, जनरेटर मंगाए भी, इतना खराब लग रहा है। मेकअप पिकअप करा के आए थे, मैं निशा सुनीता सब लोग गए थे, मालूम है, आईब्रो भी बनाई, फेशियल शेड करा के आए थे, ना कोई बराती देख पा रहा, ना कोई लाइन मार पा रहा है, सब चीज इतना खराब लग रहा है। हमारी फ्रेंड है निशा, उसके घर शादी थी, हम लोग इतनी रात पूरी रात नाचे थे, इतना नाचे थे, अंताक्षरी वगैरह खेली थी, जिया जी के चूते वगैरह चुराए थे, कुछ भी नहीं हो पा रहा। मेरे घर की पहली शादी, पापा ने पूरी इंसल्ट करा दी। हम लोगों ने कहा भी था जनरेटर मंगा करके ना मंगाए, पापा अपनी चलाते, सिर्फ अपनी सुनते रहते, कहीं बोले बत्ती नहीं जाएगी, बत्ती जब बत्ती चलेगी, इतना खराब लग रहा है, मतलब इतना कचरा हो गया, हम रील डला के लाए थे, किसी को अच्छा नहीं लगा, इतना खराब हो गया। और जब लाइट गई हुई है तो कुछ लोग दुल्हन के घर वाले हैं, चाहिए कि आगे बढ़ के मदद करें, लेकिन वहां भी देखिए कि नेतागिरी, लोगों के क्या करेक्टर हैं। लड़की के मामा ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा है आज इनके यहां लाइट गई है ना, ये दूसरे शादी में जाते तो बहुत कमी निकालते थे कि नमक कम है, जोड़ी सही नहीं है, टेंट सही नहीं है, आवाज खुद के भीतर ही देते। एक दूसरे करेक्टर, ऐसा भैया जनरेटर तो ला दें 10, एक मिनट जनरेटर पैदा कर दें गुरु, लेकिन हम आगे बढ़ के नेतागिरी नहीं करते हैं, कोई हमसे बोलेगा नहीं तो काहे को लाएं, ये अभी खड़ा कर दे 10 जनरेटर खड़ा कर दे गुरु, अभी के अभी, कोई कहे तो करेंगे, ऐसा थोड़ी मन लगे रहेंगे भैया, अपने मन से थोड़ी करेंगे, तो कोई कहे तो कर देंगे, काहे को आगे बढ़ के काहे करें, तो बोले बोल लबल करके कल कोई बात थोड़ी कर देंगे, बोलता रहा। अब होते होते सुबह का वक्त आ गया विदाई का, लड़की विदा होने वाली है। अब देखिए माहौल गमगीन है क्योंकि लड़की विदा होने वाली है, लड़की की माँ बरातियों को भी देख रही है और दामाद को समझा भी रही है। लड़की की माँ ही, ओ भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं? बस भैया हमसे जो बन पड़ा हमने किया, हमारा फर्ज था भाई, कोई शिकायत ना रहे, सब अपनी तरफ से सब किया भैया, अब हम लोग तो कट गई है, तुम्हारी ही कटेगी। अरे पुत्तन, ए पुत्तन, ये समोसा बरातियों को दे दो भैया, ये रसम कढ़ाई किसने रख दिया, यही स्कूटर रखे, गुड्डू मुंह इधर कर लो, बनारस वाले चाचा रिक्शा से उतर रहे हैं, उनकी तरफ देखो तो किराया हमी को देना पड़ेगा। भैया हमसे कोई जो भाई अपनी बिटिया को सब घर की शिक्षा दिया है, संस्कार दिया है, संस्कृति दिया है कि मतलब ससुराल जाए तो मतलब कोई शिकायत ना हो भैया, बस यही है, माँ बाप का आशीर्वाद है, आज तक अपनी बेटी को बाजार अकेले नहीं भेजा, जब भी गई चार छह लौंडों के साथ गई। अब भैया बैंड वाले से कह दो बारात चली जाए तब हम पैसा दे दें, कोई भागे नहीं जा रहे, लड़की घर है। और भैया हम कोई शिकायत तो नहीं, आज तक हमारी बिटिया किसी को नजर उठा के नहीं देखे है, जिसको भी देखे भी टकटकी बांध के देखे। टकटकी
अरे गुड्डू, ए गुड्डू रास्ते से स्कूटर हटाओ, यही से सब आ रहे जा रहे वहीं गिर रहे सब बच्चे लोग, उठाओ ये से कढ़ाई नहीं निकल पा रही, ये पंखा में रास्ते में रखे उसको हटाए ससुरा हाथ में चिपक गया, इसको हटाओ। और भैया सब ठीक है, कोई शिकायत तो नहीं भैया? हमसे जो बन पड़ा हमने अपनी तरफ से किया, अपनी बिटिया को सब शिक्षा दिया है, खुद ही खाना पकाती खुद ही खा डालती है। भैया हमने हमारी बिटिया की 150-200 जगह दिखाई हुई, बहुत जगह फोटो आई, सब जगह मंदिर में दिखाई, भाई कोई पसंद ही नहीं किए, अब तुमसे हो गई अच्छे से रखना छोड़ना नहीं। इतने में लड़की के पापा उधर से निकले, तो ये अपने हस्बैंड से कहती है, सुनो ए बिटिया जा रही है दामाद से बतिया लो, वीडियो भी बन रहा है, और वीडियो वाला बीच में। अब लड़की के पापा को रोना आ रहा है, लेकिन रोना कंट्रोल किए हुए, उनको लगता है अगर मैं रो पड़ा तो मेरे साथ कई ज्वालामुखी फट जाएंगी, तो अपने आप को जब्त किए हुए। अरे हाँ बस कुर्सी हैंडल वालो ही, हाँ भैया कार रेडी है, मंगा लीजिए, विदाई का मामला है, नाश्ता वगैरह भैया अपने हिसाब से करिए, देखिए पलंग वहां भिजवा दिया पलंग उनको। अरे साहब पसी तो विधि का विधान होता है, लड़की पराय धन होती है साहब, एक दिन तो बिटिया को विदे। आप लोग बैठ जाइए वहां पे, चाय वगैरह अपने हिसाब से कर लीजिए भैया, बस बेटा बहुत प्यार से पाला है। दूल्हा बोला कि हम लोग हंटर मार मार के पाले गए बेटा, इतनी सी थी जब पैदा हुई थी, इतनी सी थी, तो बोले हम लोग क्या इतने इतने थे बेटा, गाय बिटिया नहीं दे रहा हूँ बेटा, बिटिया नहीं है ये गाय है, गाय। दूल्हा डर गया, सही में तो नहीं गाय बांधी। दूल्हे ने अपने भाई से बोला, पप्पू जा पता करो गाय तो नहीं है, वो अंदर गया चेक करके आया, नहीं नहीं भाभी है, भाभी पूरी पूरी भाभी है, भाभी ने हमें 100 रुपया भी दिया और 2 लड्डू। इतने में लड़की के भाई उधर से निकला, तो लड़की की माँ कहती है, विनोद ए विनोद बेटा बहन जा रही है, अब जा रही पता नहीं कब आए, तो है बहन बिटिया तुम लोग साथ साथ पढ़े साथ साथ खेले, आज अलग हो रही है, जीजा जी से बात कर ले बेटा, तुम लिवावे जाओ तो तुम्हारे हाथ भेजे तो सही, वीडियो भी बन रहा है, भेजे तो सही। बात कर ले बेटा, बहनों ही से बात कर ले, बिटिया जा रही है, सुधा जा रही है, देखो पता नहीं। माता जी धरा, ऐसा है आपने बात कर लिया, पिताजी ने बात कर लिया, हो गया घर खाली करो, अब मेरी शादी के बारे में सोचो, समझे इसके चक्कर मेरी नहीं हो पा रही थी, सब बोल रहे थे बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो जाएगी, बहन की हो जाए तुम्हारी तो हो ही जाएगी, अब इसको कोई पसंद नहीं करता, तो हम जिम्मेदार उसके, बात करो अभी तो बड़ा अच्छा कर रहा लग रहा, बात कर लो बात कर, लबलबर करो, लौंडा है क्या उसको, बच्चा है क्या उसको समझा रही हो, समझे बात करो अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा, अभी बारात जाने तुम्हें बताएं, टेंट वाला क्रॉकरी वाला इतना लंबा बिल बना के बैठा है, 36 चम्मच गायब है, 42 डोंगे नहीं मिल रहे, सब साले बराती हुए डाउट लग रहा है, सब खाली हाथ आए थे, सबके हाथ में एक थैला है, समझे ये बरात है, मेरे मुंह खुला रही हो, अब फेरे पड़ गए हम कुछ बोल नहीं पा रहे, भरे बैठे, ये बरात है, बीड़ी पी पी के पूरा तंबू जला दिए इन लोगों ने, उसका अलग से बिल बना के बैठे, और वहां वहां जहां बरात ठहराई गई वो पूरी रात माणिक चंद गोवा गुटका और पान परा खा खा के साले उसकी पुड़िया फेंक फेंक नाली की जाली जाम करती, और गटर अलग जाम हो गया, वहां पे गद्दे तैर रहे, उसका बिल अलग साले भरना भरना पड़ेगा, हम साले 6 महीने से नौकर है क्या, उसको वो ला के दो, उनको ला के दो, उनका रिजर्वेशन कराओ, वहां पर वहां पे चले जाओ, सुविधा से नाश्ता लेट पहुंचा तो पड़ोसियों के घंटी हो जाए, कहते हैं हम लोग बराती में नाश्ता, तो साले बेइज्जती करने आए हमारी, जितनी एक तो ओवर एज हो जा रहे हैं साले, हमारी शादी नहीं हुई बहन के चक्कर में, हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे कॉलेज में सबके 4-4 बच्चे हो गए,
हमारे साथ जितने लड़के पढ़ते थे सबके चार चार बच्चे हो गए, जिस घर में जाते हैं एक बच्चा मेरी गोद में डाल देते, मामा आगे मामा आगे, पूरे मामा का ठेका हमने लिया हिंदुस्तान। भरे बैठे कुछ बोल नहीं पा रहे, बरात आई उनको निपटा दो, कुछ कुछ कह नहीं रहे समझे। ये तो कपूर साहब हमारे पड़ोसी, इतने अच्छे आदमी, कह ले तुम्हें बहन की शादी का मामला है, हमारा फ्लैट खाली, बरातियों को ठहरा दो। एक तो उन्होंने हमारी मदद की, अभी सुबह जब नाश्ता पहुंचाने गए तो मैंने देखा जो दहेज का सामान मिला था उसको बस में चढ़ा रहे, तो मैंने कहा ठीक है गिफ्ट मिली चढ़ा रहे, ध्यान से देखा तो कपूर साहब का फर्नीचर चढ़ा दिया। जब हमने पकड़ लिया तो कहने लगे नहीं नहीं खाली एक सोफा लेना पत्ते खेलने के लिए। पूरी रात बरातियों ने पूरी रात वो फ्लैट में पत्ते खेले हैं, चार बार पुलिस आई, नौ बराती कम है, इस साले अनपढ़ है बराती अनपढ़ है, दस बार इनको टेलीग्राम किया चिट्ठी भेजा ट्रंकाल किया कि दादर उतरना दादर उतरना दादर उतरना, हम रिसीव करने के दादर खड़े, साले बीटी चले गए, बीटी लेने चले गए दादर चले, साले हमें चिढ़ाने के लिए आए। अभी बड़ा अच्छा लग रहा है बात के बाद, वीडियो वाला तुम वीडियो 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 कैमरा लेके चलो, फोड़ डालेंगे तुम्हारा कैमरा, यहाँ साला झगड़ा हो रहा मारपीट, अम्मा गुस्सा रही हमारे ऊपर, ये साला शूटिंग कर रहा है, पूरी जिंदगी हमारे बच्चे देखेंगे, विदाई के समय कितनी डांट पड़ी थी, झापड़ मटे के चल बात कर बहनों से, जबान बड़ी चलती कैची करे, बात कर बहनों से, लबा लबा कर अम्मा बात सुनो, वो तुमसे तो बात कर लेंगे, बात सुनो हमारी, ऐसा वो बारातियों में दो तीन नहीं आगे नाच रही थी नीली वाली, मेरे लिए सही उसी बात चलाओ। चल चल जबान मत रख, वक्त अम्मा मारा मत करो, बड़े हो गए बहुत हाथ उठाती रहती हो, अभी तो बड़े हो गए जब देखो तो थपड़िया देती हो सबके सामने, हमारे दोस्त लोग खड़े उनके सामने बेइज्जती करा रही हो, बात करें जीजा से, ओ जीजा इधर देखो ऊपर का देखो बालक। जीजा अड़का दिया ऊपर कहाँ देख रहे यार, देख साला खड़ा है, देख मुझसे बात कर ऊपर देख रहे बालकनी में, एक दे दिया दूसरी ढूंढ रहे हो। ए मामा की लड़की निशा चल अंदर, ऊपर बड़ा फेंक फेंक रही फूल फेंक, जी 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 ऐसे कर रही, जूता जूता चुराई के मैं कितना इसे छुआ है बहाने बहाने से, बात के ऊपर फेंक जी 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 लपक के ऊपर आ जाएगा, ये बड़ी भरी बैठी, ये भरा बैठा अभी तक मालूम है, अभी इसकी सुहागरात नहीं हुई, बदतमीजी कर रहे। सुनो जीजा मेरी बहन है, मेरी बहन है, एक ही बहन है मेरी समझे, विनोद भाई की बहन, विनोद भाई की इकलौती बहन, आज तक किसी की हिम्मत नहीं पूरे मोहल्ले में मेरी बहन की तरफ नजर उठा के देखे, जिसने देखा आंख निकाल के पार्सल किया मैंने समझे, एड़ा आदमी अगर पता चला तुमने समझे, मेरी बहन है, अगर पता चला तुमने मेरी बहन को जरा भी टच किया है मैं फोड़ डालूंगा, एड़ा आदमी, मम्मी इसका एड्रेस है कि नहीं अम्मा, अब जे अभी प्यार मोहब्बत रहना, घर की बात घर के अंदर रहना है, बात बात में कर फोन घुमा के कहना नहीं तुम्हारी बहन ने ये पका दिया है जला दिया ये कर दिया कपड़े नहीं धोए ये काम नहीं, अभी अंडरस्टैंडिंग रखना, घर की बात घर के अंदर रखना और बात बात में इधर फोन नहीं घुमाना समझे, अभी दे दिया बहन, अब तुम्हारा घर घर बसाने का, प्यार मोहब्बत रहने का, अंडरस्टैंडिंग के साथ रहने का, मेरी बहन है, अभी दो महीने पहले मेरी बहन को दो लड़के फॉलो करते गर्ल्स कॉलेज से, सालों के कीमा निकाल के पाए निकाल कीमा बना खा गया हूं मैं, ऐसा एड़ा आदमी मेरी बहन है, सुन रहा कि नहीं बहरे, इधर देखे मेरी बहन है बहरे, सुन रहा है कि नहीं, अरे भैया समझ गए, जैसे तुम इसके भाई वैसे हम इसके भाई। आई थिंक योर परफॉर्मेंस ट्रूली डिजर्व्स अ स्टैंडिंग ओवेशन, बहुत बढ़िया किया, फैंटास्टिक, थैंक यू भैया, सुन ले, थैंक यू शेखर भैया, थैंक यू सिद्धि, आकाश आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और राजू का कोई मोल नहीं। To vote for Raju Srivastav, SMS RAJS to 123. इंडियन शादी की इससे अच्छी डिटेलिंग क्या होगी, पर अफसोस आज का टाइम तो हो गया है, लाइक व्हाट गोज अप ऑलवेज कम्स डाउन। वक्त हो गया
किया है कि हम आज के लिए करें पैकअप, बट नेक्स्ट वीक वी विल बी बैक विद मोर टू लाफ अबाउट। बट रिमेम्बर, जाने से पहले अगर आप किसी को हंसा सकते हैं तो अपने आप को जल्दी रिकॉर्ड कीजिए और हमें अपने VCDs भेज दीजिए। Who knows, you could be the next laughter king, because coming up soon is a Great Indian Laughter Challenge Part 2. Till we meet again next Friday 10 o'clock, this is Parizat Kola saying goodbye and good night.